रेखा शर्मा, पति अजय शर्मा, अशोक शर्मा, माँ का नाम संतोष, भाई सुमित एवं अमित, इंदौर निवासी, वर्तमान ग्राम यहीं रहते हैं, अड़सर ग्राम से हैं, प्रेत बाधा अड़सर से आई है, अड़सर राजस्थान। माइक में बोलो, राजस्थान में क्या है तुम्हारा, माइक से उठाओ। मेरा तो कुछ नहीं, इसका वो ससुराल है ना, परिवार के लोग रहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, अड़सर से चक्कर आया है, ये चावल का प्रभाव है, चावल से पता लगा, चक्कर अड़सर से है। इसके भाई का नाम सुमित है और अमित है, इंदौर निवासी वर्तमान में है, पिता का नाम अशोक शर्मा है, माँ का नाम संतोष है। हाँ बिल्कुल है, गलत कह रहा हूँ तो टोक दीजिए। नहीं बिल्कुल है गुरुजी। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, बाधा नहीं रहेगी, तत्काल लाभ होगा और इसी दिनांक से तत्काल चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हमारे यहाँ कोई भी जानकारी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किसी से पहले नहीं ली जाती। लेकिन ये व्यक्ति आए, प्रचार इनका बन चुका था पंडोगढ़ धाम में, लेकिन ये सब बातें नहीं बताई गई थी जी। लेकिन हमारी गारंटी है, आज के बाद आपकी पत्नी की समस्या नहीं रहेगी, एक नस दब गई है, सो योग करो, हम आपकी पत्नी आज से ठीक और भूत बाधा खत्म। जय हो गुरुदेव आपकी। बोलो पंडोगढ़ धाम की जय। ये लो, और आज का भोजन मैं दीदी आपके हाथ से का बनाऊ खाऊंगा, बाकी नहीं खाऊंगा, जाओ जहां भी भेजो, नहीं जानते। हाँ मैं घर बनाने भेज दूं आपका आदेश, बिल्कुल बना दो, भेज दो, ठीक है, जाओ बनाओ बढ़िया। बोलिए पंडोगर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय, जय श्री राम। माइक उठाइए, कहां से आए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई है, यहाँ कैसे आई है, आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? जीजाजी मेरे, उन्होंने बताया। हाँ जीजाजी है मेरे, उन्होंने आपके जीजाजी ने बुलाए हैं। हाँ। बोलो क्या पूछना चाहती बहन? दोनों बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। दोनों बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटा है, उसकी शादी कब होगी और उसकी उन्नति करियर के लिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और आपके बेटा का नाम क्या है? हर्षल। हर्षल। हाँ। और दूसरा बच्चा? बेटी है मानसी। अच्छा दो ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो क्या चाहती हैं आप? बेटी डॉक्टरी कर रही है तो उसका विदेश जाने का इच्छा है। चलिए हमने लिखा पढ़ी है, पति का नाम योगित जी है, अटैक द्वारा मृत्यु हो गई है, घर में तंत्र बाधा है, बालक का नाम हर्षल है, कि शादी शुभ होगी, मानसी की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, डॉक्टरी में उन्नति होगी, विदेश में सफलता प्राप्त होगी, आप दिनांक से ही चकाचक होगा और आपके समाज और घर के अनुकूल सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। परंतु आपको 200, 300, 400, 500 जो भी मैं नंबर बताऊं, इतने नंबर के नोट तुम्हारे पास निकले घर में, तुम्हारे बटुआ में, तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे जहां भी तुम्हारा सूटकेस रखा हो, थैला रखा हो या कुछ भी हो, ये नंबर के नोट मिलेंगे। इस नंबर के नोट के पैसे के प्रसाद और आटा ले लेना और पुष्पावती गंगा में चढ़ाना है, गारंटी हमारी है समाधान होगा, आशीर्वाद है। 7DL94-2007-4EH-25-14-43-8EL-500-444 क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? दिखाइए कितने का है, 100 का 200 का, काय के नाम ले आई है ये? हैं काय के नाम ले आई हैं आप? है नंबर, माइक से बोलो क्या कह रही है, कह रहे गुरुजी हम नंबर हाथ ही में लाए हैं, यही है नंबर। हाँ। तो ये नंबर क्यों लेके आई, ये नोट क्यों लेके आई आप? क्यों लेके आई आप? और जो नोट लेके आई हैं, वो नोट हमने ये पहले से एडवांस लिख दिए, आप नोट दिखा सकती हो कैमरे पर, हमने कलम तो नहीं चलाई इनके आने नोट देख के, ये दरबार सब नंबर दिखाइए आप, देखो ये भी 700 भी मिल गया, ये देखो 700 लिखा, देखो 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 2942007 100 का दिखाइए जिसमें नंबर होगा 444, ये हमने लिखा है, देखिए यहां पे आप बहन माइक उठाइए, आप ये 500 रुपए यही दो दोस्तों के और 100 का क्यों लेके आई हो, क्या किसी ने प्रेरणा दी थी या हमने या हमारे किसी शिष्य ने या किसी दरबार के आयोजक मंडल ने,
आपसे कहा था कि ये नंबर लेके जाओ? नहीं गुरु जी, नहीं। तो ये नंबर नोट क्यों लेके आई आप? क्यों लेके आई? इते जी, ये दुनिया के लिए सोच का विषय है। और भैया तुलसी जी ने सहज नहीं बुलाया, कई बार कुछ देखा होगा कि ये दरबार हमारी विधानसभा में होना चाहिए, हमारे लोगों के लिए होना चाहिए, हमारे लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। और विराट जन जागरण सेवा समिति ने सहज पंडों का सरकार को नहीं बुलाया, उनने भी कुछ देखा होगा, तब ये पंडों का सरकार दरबार विराट जागरण जन सेवा ने बुला करके ये आप लोगों के बीच में इतना बड़ा नेक काम किया है। ऐसे समिति को और ऐसे कार्यकर्ताओं को दिल से साधुवाद आशीर्वाद। साथ ही इस मंत्र के साथ ये विधि करेंगे, आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। पंडोकर धाम पांच महोत्सव करो आशीर्वाद है। बताइए विराट जनसेवा वाले कितने लोग हैं यहां पे? कैसा लगा आपको ये देख के? ऐसा कभी देखा आपने? तुम्हारे इंदौर में भी कई आए होंगे पर्चा बनाने वाले, लेकिन पंडोकर सरकार का एक तोड़ भर के दिखा देना, जोड़ी मिला देना 19-20 भी, तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। ये पंडों का सरकार है, जहां आप निशुल्क और सहज दरबार देख रहे हो, ये आपकी सेवा समिति का ही प्रभाव है कि ये दरबार आप खुली आंख से यहां देख रहे हो। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की।